अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर के कुमार वाइट होटल में कांग्रेस के अजीज सेठ ब्लॉक सदर सैयद इकबाल के जेर सरपरस्ती एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। में मैसूर कांग्रेस ब्लॉक के सारे मेंबरान मौजूद रहे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के बाद पहली मर्तबा सारे कांग्रेस के कारकुनान एक जगह मौजूद रहे। जिसमें महिला कांग्रेस की जिम्मेदार भी देखी जा सकती हैं। तो इस हंगामाई मीटिंग का क्या मकसद है और इस हंगामाई मीटिंग से क्या नतीजा हासिल हुआ है, खुद अजीज सेठ ब्लॉक के सदर सैयद इकबाल का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी जनाब सैयद इकबाल साहब, आज जिस तरह आपकी सरपरस्ती में जो है सारे कांग्रेस के मेंबरान को जो है यहाँ पर ब्लॉक के मेंबरान को बुलाया गया, क्या मीटिंग रही और इस पर जो है क्या नतीजा पाया? अस्सलाम वालेकुम। मुझे दोबारा ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने की वजह से ब्लॉक की मीटिंग करना था। इस मीटिंग में सबको बुला को एक मीटिंग करेंगे, बोल को डिसाइड करें। उस ये मीटिंग के अंदर जिसे भी तकलीफ थी, जो भी उनका दुख था, मुझे सुने, उसके बारे में चर्चा हुई। और चर्चे में जो हमें घर घर को जाकर जो गारंटी कार्ड बांटे, धूप देखे नहीं, छू देखे नहीं, हमें जाकर कांग्रेस वाले बांटे। दूसरी पार्टी वाले वो जगह को ये कांग्रेस वाले देती क्या? चुपके बोल रही सो, इलेक्शन है को बोल रही सो, क्योंकि बोल को हम ना कहें कि बहुत सी चीज हमें डैमेज करे। आज वो चद में ना उन्होंने कांग्रेस में निम्बर ही ना कांग्रेस में कुछ ही, वैसे आदमिया सिद्धरामैया की, डीके शिवकुमार साहब की, हमारे एमएलए साहब की फोटो डाल लेको, उनो लिंक ले लेको, घरा घरा उनको बुला को ये करा रही। तो ये क्या इसका वजह, इसकी नतीजा क्या बोल को मालूम नहीं हो रहा, क्या सही काम करने वाले के साथ पब्लिक है ना, तो ये आदमिया को इनको क्या फायदा है जो आपको ये काम कर रही है, इलेक्शन है को बोल को कर रही। ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते, अजीज से ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते, इससे पहले उसको तवज्जो नहीं दिए क्या? क्योंकि अपे बोले इलेक्शन के वक्त जो है अपे गली गली घर घर जाकर जो है आप वोट मांगिए, और बाकायदा 2000 का जो जो भी स्कीम थे, गारंटी कार्ड थे, वो आप अपने हाथों से दिए, उसको लेकर जो है अभी क्यों आप जागे जागे बोले तो हम ना क्या बोले, खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल को देती किसे भी, हमें क्या बोले उसके आवाज से एक लेटर डाला था, हम ना कार्यकर्ता को दियो, हमें जाको काम करती तो मैं ननको ये गवर्नमेंट लेवल से करती हूँ, क्योंकि बोल रहे हमें स्टॉप करें, हमारी कार्यकर्ता कौन भी कहे नहीं, ओ गवर्नमेंट से लेवल से कर रही, अच्छा है करण दे वाचे, हम ना काम कम हुआ बोल को। लेकिन अब हमें देख रही कि दूसरे कर रही, तो दूसरे कर रही तो हमें निकल को पूछना इतना जी, हमारा हक, हमें मेहनत कर कोई सो, हमें मेहनत करी, हमें घर को जाकर पूछी, आदमी को हमें कासा दिलाती है को बोल कोई, वो हमारा काम, हमारी कांग्रेस पार्टी दे रही सो, तो हमें हकदार है उसके। कौन आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, आप जो प्रेसिडेंट हो चुके हैं उसको तो सबको तमाम मालूमत है, लेकिन क्या वजह है कि कारपोरेट नजर नहीं आ रहा है कि आप दावत दिए थे नहीं दिए थे? भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट की मदद के बगैर और एमएलए की सरपरस्ती के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता इंशाल्लाह, तो ऐसे वक्त में कारपोरेट एक कारपोरेट नजर नहीं आ रहा है, मैं पूरे कॉर्पोरेट्स को जो मेरा जिस ब्लॉक में जमते मैं सबको भी बुलाया था,
हमारे आरिफ दा जो माजी मेयर ही उन्होंने उनको बेंगलुरु अर्जेंट जाना था, उनकी तबियत का भी तकासा, मुझे बोले उन्होंने कल फोन कर दो, बेटा मुझे आने होता नहीं, मेरी तबियत बराबर है, तो क्या करता कर, मैं तेरे साथ हूँ, बोल को उन्होंने मुझे डॉक्टर घर जाना है। खैर दूसरे कॉर्पोरेटर्स को भी बोला था, उन्होंने कौन भी आई नहीं मैं लेकिन सबको लेकर चलना चाह रहा हूँ, इन्होंने नहीं आ रही। आपके जो ब्लैक कमेटी है उसको 10 कॉर्पोरेटर्स के जितने के आपके ये है यानी तमाम टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं, फोन आ कर किसी की तबियत बराबर है, उनकी मीटिंग में उनकी कहीं की बेंगलुरु में हूँ, कहीं की दूसरी जगह हूँ, ये बोल रही। खैर वो तुम्हें उनसे मशवरा करे तो अच्छा दिखता है, बुलाने के बाद भी तुम्हें की नहीं बोला, तुम्हें उनसे पूछना हो। मैं उनको क्या ही बोलना चाहता नहीं, मंजे जो सामने के दिनों में उनको भी मेरी भी जरूरत पड़ती है ना, जब हम उसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में मैं एमएलए साहब को रखता हूँ, जो हम ही बुला, ब्लैक प्रेसिडेंट होने के बाद एक जिम्मेदार होने के बाद मैं बुलाता हूँ उन्होंने जो ही हमारे कॉर्पोरेटर्स हमारे साथ रहना, शायद उन्होंने आई नहीं, इसके बारे में तुम्हें उनको पूछो, मैं एमएलए साहब को ये बारे में रखता हूँ जो मेरे साथ आपको ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी मेरे साथ रहती है, कॉर्पोरेटर भी मेरे साथ ही, लेकिन उन्होंने की नहीं है ये इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा बुलाना फर्ज था, मैं बुलाई। गारंटी कार्ड के बारे में जो आप जमा है तमाम की ख्याल लिए थे, आने वाले दिनों में जो गुजर गया वो गुजर गया, आने वाले दिनों में क्या ऐसा, हमें वो लिंक जिससे परमिट वाले को देखो ही, तुम्हें जिसे भी पार्टी छोड़ को कर रही वो लिंक स्टॉप करो, बोल को देखो ही लेट, दूसरी पार्टी वाले कोई पार्टी वाले नहीं करना, हमें मेहनत करी से बोल को, हमें हमारे डीके शिवकुमार साहब को फर्स्ट तो हमारे एमएलए साहब के दिमाग को डाल को ही, उसके बाद डीके शिवकुमार साहब को, हमारे मूर्ति राणा को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को, उनको सब बोल स्टॉप करो 100%। सर अब तक जो है आधी से ज्यादा आवाम जो है पैसे देकर खर्च कर पता नहीं क्या क्या करकर जो है सारे स्कीमों को जो है इंचार्ज करा लिए, टूर्नामेंट करा लिए, अब जाकर जो है आप क्या कर दो, हमें पहले बोले थे एक रुपया भी देना नहीं फ्री करती, गारंटी कार्ड देने के बाद भी उनको बोले थे मैं ये तुम्हारे घर आने चाहूंगा, मैं करती हूँ क्या भी देना नहीं पैसे, कौन पूछे तो भी करा को देता, बोले तो भी नहीं देना, बोलो मैं ऑलरेडी आवाम को बोल को थे, मैं को मालूम नहीं से क्या करती, कौन की उसे गलत दिमाग में डालता, 15 तारीख को दे डालती उसके बाद देते नहीं, 15 अगस्त को छोड़ जाता उसके बाद देते नहीं, उसके वास्ते उनके दिमाग खराब करको, उन्होंने पंप 200 की 300 की आवाम ऐसा जाको देखो, पहले होगा तो बस करके बोला को पब्लिक को गुमराह करको काम करा रही। अच्छा आपकी जानिब से आवाम को क्या मैसेज है, आवाम को जिससे भी 15 तारीख के बाद भी आते जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट है मिस हुआ तो भी 100% उनको 2000 रुपए मिलती है, उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आराम से घर में रहते हैं, उनको 100% करती है, उनके बीपीएल कार्ड, अब कहते हैं कि बीपीएल कार्ड का ही प्रॉब्लम है, बीपीएल कार्ड में नहीं रहा था उनका फिर ओपन करा रहे बीपीएल कार्ड का, वो करने के बाद उनको 100% करा को देती, कोई परेशानी की बात लेने की जरूरत नहीं और पैसे देखो कराने की भी जरूरत नहीं है, बाकायदा उनको जब कराती उनको 100% उनको पैसे मिलती है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का 15 अगस्त बोलो ना कि हमारी गवर्नमेंट जब तक है उनको मिलता 100%। जुबेर देखो आज क्या भी नहीं, मुबारकबाद देना है हमारी टीम से, क्या वो जजी सेट ब्लैक मिलाना उससे मुबारकबाद देना कोई पूरा हमारी टीम से, कहाँ से आप, नालीम नगर वार्ड नंबर 17। तो आने वाले दिन में उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, बहुत है उम्मीद उनसे, इतनी बहुत है आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 17 से आप नौजवान का क्या है कॉर्पोरेशन में लेकर, वो तो है बहुत करती है, भरोसा है खाली उससे उनको हमें सपोर्ट करना है तो हमारी टीम से सपोर्ट करते हैं, कार इंशाल्लाह जरूर होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे ಎದಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ಅಣ್ಣ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ.